नमस्कार, झरोखा चैनल में मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम उनकी कविता उषा का प्रश्नोत्तर वाला खंड पूरा कर चुके हैं, तो आइए शमशेर जी के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देहरादून में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके शीर्षक इस प्रकार से हैं, कुछ रचनाएं। दूसरी किताब का नाम है कुछ और रचनाएं। तीसरी है चुका भी हूं नहीं मैं। चौथी है इतने पास अपने। बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी। ये उनके प्रमुख कविता संग्रहों के शीर्षक हैं। अब हम देखते हैं कि शमशेर जी का जो कला पक्ष था वह उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी काव्य रचना में ऐसे बिंबों का निर्माण किया है जिनमें रंग, रेखा और स्वर सभी कुछ मौजूद मिलते हैं। वे चित्रकार तो थे लेकिन उन्होंने कविता में भी लगभग शब्दों से ही चित्रों की रचना की है। हमें कविता के पाठ के साथ उनके अंदर बसे हुए दृश्यों के चित्र भी दिखाई देने लगते हैं। वे किसी भी माध्यम का प्रयोग तो करना चाहते थे, प्रयोग करते भी थे, पर वो एक और कोशिश करते थे कि हम उस माध्यम से परे चले जाएं। वे चित्रकला में थे और चित्रकला के माध्यम से भी परे जाने की उनकी आकांक्षा थी। वे कविता के शिल्प में काम करते थे और उससे भी पार चला जाना उनकी आकांक्षाओं में शामिल रहता था। तो इस तरह वे एक ऐसे कवि हैं जो माध्यमों से भी आगे जाने की इच्छा रखते हैं और वो उन्होंने किया भी। जहाँ तक उनके भाव पक्ष का प्रश्न है तो शमशेर बहादुर सिंह विचारों से प्रगतिवादी कवि थे। उनकी कविता में हम एक अलग प्रकार का मिजाज देखते हैं। वे मनुष्य और प्रकृति की ऊर्जा के कवि थे। उसके अंदर जो शक्ति वो देखते थे उस शक्ति को अभिव्यक्त करने की कविता रचने वाले कवि के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा रही है और आज भी है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों का और उसकी विचारों का अभिव्यक्ति में कविता के शिल्प का लाभ उठाया है, उसका उपयोग किया है और इस तरह हम उन विचारों से, उन दार्शनिक भावनाओं से परिचित होते हैं जो कवि अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। अभी जिस कविता का हमने पिछले बार जिक्र किया है, पढ़ा है, उसका पाठ हुआ है, व्याख्या हुई है, वह भी देखने पर प्रकृति का एक सुंदर चित्र या दृश्य जैसा ही दिखता है लेकिन उसके अंदर प्रकृति की शक्तियाँ, उसके बदलते रूप, उसकी विविधताएँ, उसकी गतिशीलता, उसका निरंतर आगे बढ़ना, उसके अंदर से नई ऊर्जा का पैदा होना, ये भी कविता हमको साथ साथ बताती चलती है। तो कवि का उद्देश्य केवल एक विवरण पैसा विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र नहीं है बल्कि वह उसके पीछे जो मौजूद है, जो उसका मर्म है, जो तत्व है, उसको भी अपनी कविता में खोलते चलते हैं। पाठकों को ही वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कवि बहुत कुछ ढांक के रखता है, सब कुछ नहीं खोल देता,
सरलीकरण नहीं करता, इसलिए कविता एक शक्ति और ताकत बनकर सामने आती है। भाषा शैली अगर हम देखते हैं तो उनकी भाषा बहुत सहज है, सरल है, कोमल है और पानी की तरह तरल बनकर बहती हुई सी प्रतीत होती है। इतनी उम्दा भाषा, इतनी अनोखी भाषा उन्होंने अपनी कविता के लिए ईजाद की है कि वह शमशेर बहादुर सिंह की काव्य भाषा बनकर के हमारे सामने प्रकट होती है। उनकी भाषा में चित्रकला के रूप रंग हैं, उनकी भाषा में भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, उनकी भाषा में शिल्प समाता है, उनकी भाषा में काव्य की ऊर्जा प्रकट होती है। ये भाषा और शैली दोनों उनकी बहुत विशिष्ट हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह को अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कबीर सम्मान उन्हें दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर सम्मान और पुरस्कारों से भी उनको प्रतिष्ठित किया गया है। सन 1993 में दिल्ली में उनका निधन हो गया और एक बहुत महत्वपूर्ण कवि की और अधिक रचनात्मकता से वाकिफ होने का जो हमारा सौभाग्य था वो हमसे रूठ गया। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ही एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाकर के आप हमारी वेब लिंक पा सकते हैं और वेब लिंक के जरिए वेबसाइट में पहुंच सकते हैं। वहां हम जो कुछ भी आपको आरोह पुस्तक से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ नोट्स तैयार कर रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी उत्पन्न होते हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उनका उत्तर देंगे। धन्यवाद।